नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। आईएएफ स्ट्राइक, भारत के जवाब से बौखलाए पाकिस्तान सदों ने की ओआईसी के बहिष्कार की मांग। इस्लामाबाद, पुलवामा हमले के जवाब में भारत की जवाबी एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानी संसद में भी घमासान मच गया। पाकिस्तानी सांसदों ने संसद में इमरान खान के विरोध में शेम-शेम के नारे लगाए। पाकिस्तानी सांसदों ने बौखलाहट में भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए और जवाब देने की धमकी दी। पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में सुषमा स्वराज के गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। पाकिस्तानी सांसद हिना रब्बानी ने कहा कि इमरान खान सरकार को विस्तार से इस बारे में ब्रीफिंग करनी चाहिए। भारत का जवाब पाक कैसे देगा और उसके क्या प्रभाव होंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हिना रब्बानी खान ने कहा, इमरान खान को फौरन जवाब देना चाहिए कि इस हमले पर हुकूमत का क्या जवाब होगा। ओआईसी में हिंदुस्तान की विदेश मंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। पाकिस्तान को इस सम्मेलन का बॉयकॉट करना चाहिए। भारत के जवाबी हमले में जैश के कई अड्डे तबाह, मसूद का साला भी ढेर। बता दें कि एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने देशवासियों को धैर्य से रहने की सलाह दी। जवाबी हमले से तिलमिलाए कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जवाब देना आता है। उन्होंने पाकिस्तान को ही शांतिप्रिय देश घोषित कर दिया। पाकिस्तानी के एक अन्य सांसद ने भी ओआईसी में सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि ओआईसी का आधार इस्लामिक है। पाक सांसद ने फिर से कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि इस सम्मेलन में ऐसे मुल्क की शख्सियत को कैसे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जा सकता है जो कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार करता है।